आज जो फ्रीडम हर माइनॉरिटी को इंडिया में है वो आज कहीं नहीं है, और जो ये इंटरनेशनल नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है ये गलत है। हमारे लिए जो उन्होंने करतारपुर मार्ग जो है कॉरिडोर इंडिया टू पाकिस्तान खोला है, ये सबसे बड़ी बात है। Prime Minister Modi gave a very, very memorable speech highlighting all the developments and the pact signed between USA and India. We're very fortunate, we're very proud whatever is happening between both the countries. It will benefit the Indian diaspora and Indian community back home. Very proud of it. Prime Minister ne abhi diaspora ko address kiya, kya kahenge aap? Aaj Prime Minister saab ne Bharat aur America ke rishton ko naya muqam de diya hai aur pure Sikh samudaya ke log aaj hum sare ikattar hue hain, humne shirkat ki hai. और प्राइम मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करना चाहते हैं, पिछले 9 सालों में सिखों के लिए इतने काम हुए, सारे सिख जो हैं इनसे बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि ये हमेशा ही ऐसे देश को आगे बढ़ाते रहें। और एक बात और कहना चाहते हैं हम कि आज की उनकी स्पीच में इस पार्टनरशिप का जो आउटकम सामने आया है वो भारत के नए भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा और भारत बहुत नई दिशा में आगे बढ़ने वाला है। मैं आज इतना खुश हूँ कि हमारे सारे सिख भाईचारा जो यहाँ मोदी साहब को सपोर्ट करने के लिए आया है, उन्होंने जो इंडिया के लिए किया है बहुत किया है। हमारे लिए जो उन्होंने करतारपुर मार्ग जो है कॉरिडोर इंडिया टू पाकिस्तान खोला है, ये सबसे बड़ी बात है। हम लास्ट ईयर में उनके साथ दिल्ली में डिनर किया है, उन्होंने पगड़ी बांध कर आए और हमारे सिखों को बहुत उन्होंने उत्साह दिया। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, वो ऐसे ही काम करते रहे इंडिया के लिए। वी आर रियली थैंकफुल टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही हैज डन लॉट ऑफ थिंग फॉर द सिक्स। आई वुड जस्ट काउंट इट फ्यू, करतारपुर कॉरिडोर विच वॉज स्टार्टेड 18 ईयर बैक, वी हैव डन द फिजिबिलिटी रिपोर्ट एवरीथिंग, देन नवजोत सिद्धू वेंट देयर एंड टॉक टू इमरान खान, बट इट वॉज नेवर वुड हैव बीन हैपेंड इफ प्राइम मिनिस्टर मोदी वुड हैव नॉट टेकन इनिशिएटिव। सो वी आर रियली थैंकफुल टू हिम from the Sikh community. Then I still remember 550th Guru Nanak Gurpurab was there. He has placed order to every embassy so that the Guru Nanak message should go to everywhere. So each and every Sikh got the message in the world, everyone got the message, kirat karo, vand chako, aur guru di kirpa karo. So we are really thankful to Prime Minister Modi, and then we are also thanking to him. He has taken care of the blacklist of the Sikhs and other things. So we are heartily thankful to him. We indebted our life to him. जैसा मोदी जी ने कहा कि आज इंडिया हैज अराइव्ड एंड इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एवरी इंडियन, एंड आई वॉन्ट टू से वन थिंग, एंड आई वॉन्ट टू से दैट देयर इज अ रॉन्ग नैरेटिव विच इज बीइंग पोर्ट्रेड कि पीएम साहब माइनॉरिटीज के साथ नहीं है। पिछले 9 सालों में इस देश में, भारत देश में, माइनॉरिटीज, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो बुद्धिस्ट है, चाहे वो जैनी है, उसने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। और हम ये पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं आज जो फ्रीडम हर माइनॉरिटी को इंडिया में है वो आज कहीं नहीं है। अमेरिका में ईद में फ्राइडे को नमाज पढ़ने के लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है, इंडिया में इस चीज़ की कोई परमिशन नहीं है। फ्रीडम टू प्रीच योर रिलीजन है, और जो ये इंटरनेशनल नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है ये गलत है। थैंक यू मोदी जी फॉर सपोर्टिंग एवरी इंडियन, फॉर सपोर्टिंग 140 करोड़ भारतीय एंड मेकिंग अस प्राउड।